Hi, welcome to Personality Development Masterclass with Sumit Kaur. Yes, आज हम बड़े ही important topic पे बात करेंगे and इससे ही हमारी personality का actually एक base set होता है and ये है एक effective communication. Yes, कुछ आपने बोला और किसी को समझ में आ गया या कुछ आपने बोला और किसी पे impact चला गया, यही है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की निशानियाँ. यस, जब हम कुछ ऐसे कम्युनिकेट करें कि सामने वाले को लगे अरे ये जो बात कह के गया है या ये जो बात कह के गई है वो वाकई में सही बात है और ऐसे ही होता है और मुझे इसकी बात ज़रूरी माननी चाहिए, या फिर इन अदर वे राउंड आपने उसको कुछ करने के लिए कहा और उसने वो कर दिया. सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें, और ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ही हों तो ही अच्छा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी बात बड़े ही सरल तरीके से और एग्जैक्टली वैसे ही कहनी चाहिए जैसे वो है. होता क्या है, ज़्यादातर इफ़ेक्टिव दिखने के लिए हम अपनी बात को तोड़ मरोड़ देते हैं या कुछ गलत पॉइंट्स पे एम्फसाइज करना शुरू कर देते हैं, बोलते बोलते लाउड हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, या फिर ऐसे शो करते हैं कि ये पॉइंट बड़ा नेसेसरी है मेरे लिए, ये इसको ज़ोर से बोलता हूँ या ये इसको अच्छे से बार बार दो तीन बार बोलता हूँ. पर ऐसा नहीं होता, सामने वाला वही रिसीव करना चाहता है जो एग्जैक्टली बात होती है. सो बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कि जब आपने कुछ कहा, अगले को अपनी तरफ से तो बड़े ध्यान से समझाया पर उसको बिल्कुल समझ नहीं आया और उसने काम गलत कर दिया. किसी भी वर्क प्लेस में या रोज़ाना की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में भी, अपने रिलेशंस में भी, हम जितना हो सके अगर बात को क्लियर करें, क्लियरली बोलें, राइट, तभी शायद हम उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे. क्लियर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको लव्स क्लियर करने हैं, क्लियर बोलने का मतलब ये है कि वो जो उसके कीवर्ड्स हैं, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो ज़रूर बताने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी को बुलाना है मीटिंग के लिए तो आप क्लियरली बोलेंगे कि मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ इस टॉपिक पर, इस एजेंडा पर, और मैं आपको कल मिलूँगा 2 बजे अपने ऑफिस में. प्लीज़ कोशिश करके 1:50 तक पहुँच जाइएगा, बिकॉज नहीं तो हम डिले हो जाएंगे, मेरी एक और मीटिंग है अराउंड 3 PM. सो ये बड़ा क्लियर सा कम्युनिकेशन है. बहुत बार हम ये भी करते हैं कि अपनी बात को क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए या रोप डालने के लिए, या ये देखते हैं वर्क प्लेस पर कि मैंने इसको ये बोला और ये फटाफट कर दे, कई बार हम छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं. कई बार हम पावर टेक्निक्स अपनाते हैं कि मेरे को बॉस ने बोला है फटाफट कर दे, तूने ऐसा नहीं किया तो बॉस गुस्सा मानेगा, बॉस ना ऊपर से देख रहा है, तेरे को समझा देगा. सो ये जो कम्युनिकेशन है ना, इससे आपका जो ट्रस्ट है कम्युनिकेटर के साथ वो ख़त्म हो जाता है. जितना भी आप उसको रिस्पॉन्सिबली अपने बारे में बात करके करेंगे तो वो ठीक लगेगा और वो आपकी पर्सनालिटी निखारेगा. नहीं तो हमेशा ये लगेगा कि ये बंदे ने कम्युनिकेशन करनी है और इसने किसी का नाम लेके करनी है तो, और ये तो झोली है. और डेफिनेटली इतनी बारी आप यूज़ करोगे कि तो आपका रोब भी ख़त्म हो जाएगा. सो क्लियरली, अगर लेट अस सपोज आपको किसी बॉस ने कह भी दिया कि अपने नीचे वाले से काम करवाइए, आप फिर भी उसको अगर लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए ऐसे करें कि लेट्स डू दिस, वी नीड टू कम्प्लीट इट बाय टुमारो, एनी हाउ इट विल कम ऑन आर परफॉर्मेंस, दिस इज इनफ एंड दिस शोज योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि कल तक यार ख़त्म करते हैं, हमारा ये पूरा टास्क है और ये बनता है कल तक ख़त्म करना. This shows your dedication, this shows your loyalty, this shows your responsibility, this shows your ownership. So ये बात अच्छी लगी कि rather than कहना कि नहीं नहीं बॉस ने बोला कल तक ख़त्म करो, नहीं पता ख़त्म हुआ ना बड़ा मंगा पड़ जाएगा, this is not good, right? So your person, this may be good, I mean I don't want to say this is not good, but again ये आपकी personality नहीं निखारेगा. आपकी personality तो सरल, सभ्य, एक लुक अपॉन वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक विजनरी वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए, हम अपने आप में एक लीडर कहलाने चाहिए. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि किसी को ऑर्डर दे दिया, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तो ये है कि उसने किसी को ऑर्डर दिया और वो काम भी कर ले, राइट? सो या फिर कुछ नोटिस में डाला और सबको समझ भी आ जाए. तो इसके लिए एम्पथेटिक होना बहुत ज़रूरी है. अपने वर्क प्लेस पर भी और नॉर्मल रिश्तों में भी, जब तक आपकी पर्सनालिटी में वो एम्पथेटिक वाला गुण नहीं है तब तक कुछ नहीं है.
यस, समझ जाइए. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बोल रहे हैं 5 या 6 तारीख को आपको ये सबमिट कराना है, बट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 5 या 6 को हो सकता है कि कोई त्यौहार हो, या ज़्यादातर लोग आ ना पाएँ, या फिर संडे सैटरडे वीकेंड हो एंड हम उनको 8 बजे बुला रहे हैं. तो एम्पथेटिकली बोलना चाहिए इस बात को कि वी अंडरस्टैंड इट इज़ अ हॉलीडे, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ योर फेस्टिवल, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हम इसको कहीं और कॉम्पनसेट कर देंगे, सो प्लीज़ बी देयर एट 8 AM. अब शायद ये कम्युनिकेशन क्लियर हुआ. नहीं तो आपने बोला, सामने वाले ने कैसे लिया नहीं लिया, ये बिल्कुल चेंज हो जाती हैं चीज़ें. सो जितना हो सके क्लियर बोलें, कमांड से बोलना है तो भी आप बड़ी कैंडिडली बात करें, झूठ का यूज़ ना करें, ट्रस्ट बिल्ड करें और एम्पथेटिकली बोलें. क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे ज़्यादा हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, असर्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्यों ना ये वाले गुण अपना के अपनी कम्युनिकेशन में अपनी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगाएं. राइट, बहुत जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे. बट यस, आपकी पर्सनैलिटी में और क्या कमी आपको लग रही है, किस पे आपको काम करना है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. एंड यस, यू कैन ऑलवेज शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन सो दैट दे ऑल्सो गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट. थैंक यू सो मच.